तो हाय बच्चों, कैसे आप लोग? आई थिंक एफए पेपर आप लोग का बहुत शानदार गया होगा। ऐसे अगर बोलूँ, हमने जो सम्स निकाले थे मोस्ट ऑफ वही सम्स थे, थेरी जो हम लोग ने दिए थे वही थे। तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया कि सर कॉस्ट के भी इम्पोर्टेंस दीजिए हमें। इसी बेस पे हम लोग ने कुछ कॉस्ट के भी इम्पोर्टेंस निकाले हैं। उससे पहले एकदम जान लेते हैं हम लोग कि पेपर किस तरीके से आ सकता है। जैसे कि आज आपने पेपर दिया आपके एफए का, राइट? 100 मार्क का पेपर था वो। क्वेश्चन नंबर वन ऑब्जेक्टिव था आप लोगों का, बराबर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगेन टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव। ये आप लोगों के लिए थ्योरी आएगा, राइट? यहाँ पे आप लोगों के लिए आइदर 20 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और 10 10 मार्क के दो क्वेश्चन रहेंगे। पर सर सवाल ये है अभी, बट आ क्या सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे आप लोग को 5 चैप्टर्स हैं, राइट? और उसके बाद में आपको कोई भी अच्छे से 3 चैप्टर करना है। तो एज एक्सपीरियंस मैं अगर कहूँ तो आप लोगों को 3 चैप्टर रहेंगे। पहला रहेगा आप लोग का ओवर हेड्स, कैन गो विथ ओवर हेड्स। सेकेंड रहेगा आप लोग का, सेकेंड रहेगा आप लोग का कॉस्ट शीट, सेकेंड रहेगा कॉस्ट शीट। उसके बाद में आप लोगों का होगा लेबर, और उसके बाद में आप लोग को होगा मटेरियल। ये 4 में से आपको कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से करना है, कोई भी 3 चैप्टर आपको अच्छे से इसमें करना है, ठीक? तो अगर अगेन आप लोग को अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग 3 चैप्टर अच्छे से करो, और आपको पूरा मतलब आउट ऑफ स्कोर करना। कॉस्टिंग इज़ वेरी इजी, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हो साल भर या 6 महीने में, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। बट एन वक्त पे पढ़ने के लिए जो पढ़ते हैं, एन वक्त पे जो पढ़ता है, लास्ट मोमेंट जो पढ़ते हैं उनके लिए है, मैं ये बोलूँगा वो लोग प्राइमरी कर ले पहले, बहुत ईजी है। उसके बाद में फीफो वगैरह कर ले, और उसके बाद में आप लोग लास्ट में जो बचता है लेबर या फिर कॉशिट, दोनों में से एक को एक चैप्टर अच्छे से कर लेना। ओके, तो कीप इट शॉर्ट। हम लोग फटाफट क्वेश्चन देखते कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो लेटेस्ट बुक है आप लोगों का, इसमें से हमने क्वेश्चन निकाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला पहला जो आपको मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट, ये आपको 3 इसमें डिवाइड है। पहला आपको आएगा ईओक्यू, ओके। सेकेंड आपको आएगा फीफो वेटेड, थर्ड आपको आ सकता है वो है मटेरियल। ये 3 में से आपको 2 आराम से आएंगे, ओके। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछते हैं तो 20 मार्क के लिए आपको फीफो वेटेड जा सकता है, इसके साथ में जा सकते हैं। और 10 10 मार्क के लिए आपको बच्चों ईओक्यू और ये लोग आपको मटेरियल पूछ सकते हैं, मटेरियल टर्नओवर रेशियो। ओके, बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, हिसाब है। ओके, नाउ लेबर में वैरायटी है, जैसे आप जानते हो काफ़ी वैरायटी है। तो उस वैरायटी के हिसाब से मैंने तकरीबन कुछ क्वेश्चन निकाला हूँ, तो आप लेबर के इसमें जा सकते हैं। इसमें 2 टाइप है, पहले आपको पूछते हैं लोग रोहन हाल से, और उसके बाद में कैलकुलेशन आता है, तो उसमें सारे ये इंक्लूड है, क्लियर? उसके बाद में आप लोग को आता है ओवर हेड्स। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, अगर आपको पास होना है तो आपको ये आना ही चाहिए ओवर हेड्स के। ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप होते हैं आप लोगों के लिए, एक होता है कोई का आपके लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और सेकेंड आप लोग के लिए होगा वो एक टेबल आता है, मतलब इसमें आपको बोलेगा स्टैंडिंग ओवर हेड्स क्या है, फिक्स ओवर हेड्स क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है? उसके बाद में कॉस्ट शीट है, कॉस्ट शीट में आपको अलग अलग वैरायटी है, तो उस वैरायटी के हिसाब से मैंने हर एक के दो दो सब्स आप लोग को दिया हूँ। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो कॉस्ट शीट में अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो बचा आपका रिकन्सिलेशन, ये जिसका आउट ऑफ कर मतलब तो जिसका आउट ऑफ लाना है कि सर मुझे 100 में से 100 लाना है, ये उनके लिए है, ठीक है? लास्ट के हमने 3 सम निकाले हैं, आपको इतना ही करना है, क्लियर? और हम लोग ने कल भी आप लोग एक थ्योरी भेजा था, अगर आप लोग देखोगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम लोग ने वहाँ पे थ्योरी आप लोग के लिए भेजा था। अगर आप उस थ्योरी को चेक करोगे, ऑलमोस्ट सम ऑलमोस्ट क्वेश्चन उसी में से आए थे। आज भी पहले आप इतना कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आपको उसमें थ्योरी भेज देंगे, क्योंकि लास्ट कुछ सालों के जो लास्ट सालों के हिसाब से हम लोग ने निकाले हैं पेपर्स। ओके, थैंक यू सो मच।